विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त मंडी आशुतोष गर्ग ने सभी मंडी जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार यह दिवस ऐसी चुनौतीपूर्ण समय के बीच आया है जहां पूरा विश्व और भारत कोरोना महामारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की शाखाओं के माध्यम से हमारे स्वयंसेवी जिला, प्रदेश और देश विदेश में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। आज का ये दिन उन सभी का हौसला बुलंद करने, मान सम्मान देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को लेकर मंडी ने इस दिवस में थीम क्लैपिंग फॉर वॉलंटियर्स एंड कोरोना वॉरियर्स रखा गया है। ये दिवस इस लड़ाई में आगे कोरोना वॉरियर्स के मान सम्मान देने और उन्हें बेहतर कार्य करने के प्रति मोटिवेट करने के लिए भी केंद्रित किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर मैं सभी मंडी जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस बारी का जो रेड क्रॉस दिवस है ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेज में हम लोग के बीच में आया है, क्योंकि पूरा विश्व और देश प्रदेश इस समय कोरोना महामारी से फाइट कर रहा है। और इसमें जो हमारी रेड क्रॉस की ब्रांचेज हैं, चाहे वो जिला की ब्रांच है या देश प्रदेश और पूरे विश्व में जहाँ पे भी रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हमारे इस पूरी लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, उन सभी वॉरियर्स को उनको उनका हौसला अफजाई करने और उनको इनक्रेज करने के लिए भी आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी विषय को लेकर भी इस रेड क्रॉस दिवस की थीम रखी गई है कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समय इस लड़ाई में लगे हुए हैं, उनको हम इनक्रेज करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें। और हमारे मंडी ज़िला में भी रेड क्रॉस ब्रांच के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे वो लोगों को अवेयर करने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनने को लेकर, या जहाँ पे भी लोगों को किसी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो उनके घर द्वार पे पहुँचाने की बात हो, तो इन सब चीज़ों में हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और इस पूरी लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं। और यही हमारा संदेश भी है कि ये हमारे पास एक ऐसा क्राइसिस है जिसको हम लोग कलेक्टिवली और एज कम्युनिटी ही फाइट कर सकते हैं, और जब हम एकजुटता के साथ कलेक्टिवली इसको फाइट करेंगे तो ज़रूर हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसी थीम को लेकर, इसी मैसेज के साथ मैं सभी जिलावासियों को एक बार फिर इस दिन की बहुत बधाई देना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग जो है कलेक्टिवली इससे फाइट करेंगे और जो हमें सरकार से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो चीज़ों को लेके हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सब सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना, अगर कोई बाहर से आता है तो वो अपने आप को क्वारंटीन करके रखें, बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए खुद को आइसोलेट करके रखें, इस तरह की चीज़ों को हम अगर फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़रूर इस लड़ाई में कामयाब होंगे। थैंक यू।